नमस्कार दोस्तों, आज के इस सफर में बजट ट्रैवलर चैनल आपको लेकर चलेगा चंबा से भरमौर रोड ट्रिप पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोड कंडीशन कैसी है, कितना समय लगेगा, रास्ते में क्या क्या आने वाला है, कहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, कहाँ से आपको राइट टर्न लेना है, इसके बारे में बताऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरुआत करते हैं चंबा से भरमौर रोड ट्रिप की। यह है चंबा का बस स्टैंड। भरमौर जाने के लिए आपको जहाँ से बस मिल जाएगी, जिसका किराया 150 रुपये के आसपास रहने वाला है। जब आप मणिमहेश यात्रा के दिनों में जहाँ पर आएंगे तो आपको सरकारी बसेस के साथ साथ प्राइवेट बस की सर्विस भी जहाँ से भरमौर के लिए मिल जाएगी। चंबा से भरमौर की दूरी है 60 किलोमीटर। ट्रैवलिंग टाइम बाय कार लगभग 2.25 घंटे का है। अगर आप बस के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवलिंग टाइम लगभग 3 घंटे के आसपास रहने वाला है। जब आप गाड़ी को चंबा शहर के अंदर ड्राइव करेंगे तो आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। जब आप चंबा शहर से 4 से 5 किलोमीटर बाहर निकल आएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर रोड मिलेगा। मैंने इस रोड ट्रिप की शुरुआत पठानकोट से की थी। पहले हम आए थे पठानकोट से डलहौजी, उसके बाद हम गए थे डलहौजी से खजियार, उसके बाद खजियार से चंबा, और अब जा रहे हैं चंबा से भरमौर अपनी गाड़ी को खुद ड्राइव करके। भरमौर से आगे हम जाएंगे हटसर, वहाँ से करेंगे मणिमहेश यात्रा की शुरुआत। अगर आप मणिमहेश यात्रा के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मेरे द्वारा बनाए गए ब्लॉग को देखकर प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक हमने लगभग 15 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया है और हमें रोड कंडीशन जहाँ पर बहुत ही अच्छी मिली है। रोड के इस हिस्से में लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है तो जहाँ पर रोड की कंडीशन थोड़ी ख़राब है। तो आप मणिमहेश यात्रा के दौरान जहाँ पर आएंगे तो कई जगह पर आपको लैंडस्लाइड देखने को मिलेगी, इसके कारण आपको कई जगह पर ट्रैफिक जाम का सामना भी करना पड़ सकता है। इस समय तक हमने चंबा बस स्टैंड से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और हम पहुंच गए हैं विलेज बकानी में, और इस ब्रिज को कहते हैं बकानी ब्रिज। चंबा से भरमौर के पूरे रास्ते में रावी नदी आपके साथ साथ बहती है, जहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आप पहुँच जाएंगे राख में, जो कि एक छोटा सा कस्बा है। इस समय तक हम चंबा बस स्टैंड से राख तक तय कर चुके हैं 20 किलोमीटर की दूरी, और जिसे तय करने में हमें लगभग 30 मिनट का समय लगा है। राख से 2 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आप पहुँच जाएंगे चमेरा पावर प्रोजेक्ट पर। इस समय हम जिस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं उसका नाम है बग्गा ब्रिज, और हमारी बाईं तरफ है रावी नदी पर बना चमेरा पावर प्रोजेक्ट का डैम। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जिसका निर्माण NHPC द्वारा करवाया गया है। इस जगह तक हम तय कर चुके हैं 22 किलोमीटर की दूरी, और जहाँ तक हमें रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी मिली है। बग्गा ब्रिज को क्रॉस करने के बाद रावी नदी जो है हमारी बाईं तरफ आ जाएगी। चमेरा पावर प्रोजेक्ट 2 के बाद जो आगे का रास्ता है वहाँ पर रोड की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपको कई जगह पर अपनी गाड़ी को रोककर सामने से आने वाली गाड़ी को पास देना पड़ता है। इस समय हम जिस रोड के ऊपर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं उसको कहते हैं नेशनल हाईवे 154A, जो कि पठानकोट चक्की से शुरू होता है और पठानकोट, बनीखेत, चंबा और भरमौर को आपस में कनेक्ट करता है। जहाँ पर जो नीचे वाला रास्ता है वो जाता है लहेल विलेज चंबा की ओर, जो ऊपर वाला रास्ता है वो जाता है भरमौर की ओर। बग्गा विलेज को क्रॉस करने के बाद हमारी गाड़ी की स्पीड काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि जहाँ पर रोड काफ़ी कम चौड़े हैं और रोड की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस समय तक हम तय कर चुके हैं चंबा बस स्टैंड से 30 किलोमीटर की दूरी, और जिसे तय करने में हमें लगभग 1 घंटे का समय लगा है। इस समय हम पहुंच गए हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव जिसका नाम है दुनाली। ये जो दुनाली है चंबा बस स्टैंड से 31 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो दुनाली है चंबा से भरमौर के रास्ते का मिड पॉइंट है। आप कह सकते हैं कि आपने जहां तक आधा रास्ता तय कर लिया है। जब आप मणिमहेश यात्रा के दौरान जहां पर आएंगे तो आपको रोड कंडीशन इससे भी ज्यादा खराब देखने को मिलेगी। दुनाली से लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता तय करने पर आप पहुंच जाएंगे विलेज गहरा,
जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है। थुनाली और गहरा के रास्ते पर आपको छोटे ढाबे मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो जहां पर रुककर अपना लंच और ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। चंबा से बरमोर के पूरे रास्ते में आपको बहुत ही शानदार वैलीज व्यू देखने को मिलेंगे, अगर आप चाहें तो रुककर इन वैलीज व्यू का भी आनंद उठा सकते हैं। चंबा से बरमोर के पूरे रास्ते में टू वे ट्रैफिक है, तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर दो गाड़ियों का एक साथ निकलना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसी जगह पर आपको बहुत ही पेशेंस से काम लेना है और बहुत ही ध्यान से अपनी गाड़ी को निकालना है। गहरा से जो खड़ा मुख तक का रास्ता है वो 14 किलोमीटर लंबा है और काफ़ी जगह से ये टूटी हुई हालत में है, जिसके कारण आपको इसको तय करने में लगभग 30 से 35 मिनट का समय लग जाएगा। इस रास्ते पर आप अपनी गाड़ी को छोटे गियर्स और बहुत ही कम स्पीड पर चलाएं, जिससे आपकी गाड़ी की पिकअप बनी रहे। इस समय हम पहुंच गए हैं लूना, जो कि हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट का छोटा सा गांव है, और जहां तक हमने चंबा बस स्टैंड से तय कर ली है 40 किलोमीटर की दूरी, और जिसे तय करने में हमें लगभग 1 घंटा 30 मिनट का समय लगा है। और इस जगह से जो भरमौर की दूरी है वो है 20 किलोमीटर, जिसको तय करने में आपको लगभग 45 से 60 मिनट का समय लग जाएगा। ना से जो खड़ामुख तक का रास्ता है काफी खराब हालत में है, जहां पर रोड साइड में बोर्ड लगे हुए हैं कि ये धार वाला रास्ता है, जहां पर अक्सर पत्थर गिरते रहते हैं, तो आप अपनी गाड़ी को ध्यानपूर्वक चलाएं। इस समय हमने लूना से तय कर ली है 8 किलोमीटर की दूरी और हम पहुंच गए हैं खड़ामुख। जो ऊपर वाला रास्ता है वो जाता है होली की ओर और जो नीचे वाला रास्ता है वो जाता है भरमौर की ओर। भरमौर को जाने के लिए पहले हमें खड़ामुख ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा। इस समय हम जिस ब्रिज के ऊपर से गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं इसको कहते हैं खड़ामुख ब्रिज, और जहां तक हमने तय कर ली है चंबा बस स्टैंड से 48 किलोमीटर की दूरी, और जिसे तय करने में हमें 1 घंटा 50 मिनट का समय लगा है। जैसे ही आप खड़ामुख ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो आपको रास्ते में 3 शार्प टर्न देखने को मिलेंगे, और आप जहां पर एकदम से हाइट गेन करते हैं तो आप अपनी गाड़ी को पहले गियर में चलाएं और बहुत ही कम स्पीड पर चलाएं। तो इससे गाड़ी को ड्राइव करते हुए आपका गाड़ी पर नियंत्रण बना रहेगा। खड़ामुख से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आप पहुंच जाएंगे एक जगह पर जिसको कहते हैं कैलाश प्रथम दर्शन। इस जगह पर पहुंचने से पहले आपके रास्ते में आएगी एक टनल, जिसको खड़ामुख टनल भी कहते हैं। टनल क्रॉस करने के बाद आपको तय करनी है कुछ और दूरी, और उसके बाद आप पहुंच जाएंगे उस जगह पर जहां पर होते हैं प्रथम कैलाश दर्शन, जहां से होते हैं मणि महेश कैलाश के प्रथम दर्शन, जहां से जो भरमौर की दूरी है सिर्फ 9.5 किलोमीटर की है। मैं ट्राई करता हूं मोबाइल में इसको कैप्चर करके आपको दिखाने की। यस, जहां पर जो सबसे ऊंचा पर्वत दिखाई दे रहा है वो है बाबा मणि महेश कैलाश। बाबा मणि महेश कैलाश के प्रथम दर्शन करने के बाद हमने अपने रोड ट्रिप को आगे शुरू कर दिया है। प्रथम कैलाश पॉइंट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपकी राइट साइड में एक पेट्रोल पंप आएगा। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल कम है तो आप इस स्टेशन से अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल फिल करवा सकते हैं। इस जगह से भरमौर की दूरी है लगभग 7 किलोमीटर। जैसे जैसे आप भरमौर शहर के पास पहुंचते हैं तो रास्ते में आने वाले व्यूज उतने ही खूबसूरत होते जाते हैं। ज्यादातर टूरिस्ट जो भरमौर को विजिट करते हैं उनका जो मेन मकसद होता है वो होता है मणि महेश यात्रा, मणि महेश कैलाश परिक्रमा यात्रा। इसके अलावा जो भरमौर में मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं वो है 84 मंदिर और ब्रह्मानी देवी मंदिर। इस समय तक हम तय कर चुके हैं 58 किलोमीटर की दूरी, और जहां से जो भरमौर की दूरी है सिर्फ 2 किलोमीटर। हमें काफी समय के बाद ऐसा नीला आसमान देखने को मिला है, क्योंकि जहां पर जो पोल्यूशन लेवल है बहुत ही कम है। इस समय हम पहुंच गए हैं सेल्फी पॉइंट भरमौर के ऊपर। अगर आप भी सेल्फी लेने के शौकीन हैं तो इस जगह पर अपनी सेल्फी क्लिक करना
ना भूलें। इस समय हम पहुंच गए हैं भरमौर शहर के अंदर और हमने तय कर ली है 60 किलोमीटर की दूरी, जिसे तय करने में हमें लगभग 2 घंटे 30 मिनट का समय लगा है। जहां से कुछ ही दूरी पर है भरमौर का बस स्टैंड, जहां से आपको चंबा के लिए बस मिल जाएगी। तो ये था हमारा चंबा से भरमौर रोड ट्रिप पर आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।